हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं बिरला एएमसी के को सीआईओ बाजार के बारे में बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग महेश, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। एक अच्छा सा करेक्टिव फेज बाजार में पैन आउट हो रहा है और अब तो बात करें तो फेड हाइक की जो बात हो रही है, इनफैक्ट मैं एक डेटा पॉइंट देख रहा था और स्क्रीन पर लेके आऊंगा कि अब जो है पूरे ग्लोबल फंड मैनेजर्स में रिसेशन की चिंता टॉप पे आ गई है, इन्फ्लेशन और वॉर की चिंता एक्चुअली नीचे चली गई है सरक के। और अगर हम सारे टॉप दो बड़ी चिंताओं की बात करें तो कहीं ग्लोबल रिसेशन ना हो जाए, ये चिंता ज्यादा सता रही है। क्या आप कहेंगे कि वॉर और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं प्राइस इन हो गया? सो आपने सही बात की कि मार्केट ने टू सम एक्सटेंट वॉर और रेट हाइक अगर देखा जाए तो जो बॉन्ड डील्स दिखा रहे हैं अभी, यूएस के जो बॉन्ड डील्स अभी आए हैं ऊपर 3.2%, वो दिखा रहे हैं कि एक्चुअली ज्यादा है, जितने रेट हाइक्स की अपेक्षा उसके ज्यादा ही है। तो टू लार्ज एक्सटेंट मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट्स है और जो 10-year बॉन्ड्स वो ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहे हैं कि मार्केट में काफी मात्रा में रेट इंक्रीज होगी। बट आई थिंक उसके जो फॉलोअर्ड है, जैसे आपने बताया, बिकॉज जिस तरह से लिक्विडिटी के भी विड्रॉ हो रही है मार्केट सिस्टम में से और इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ने वाले हैं, उसका जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा और ग्रोथ पे होगा, आई थिंक वो अभी तक मार्केट अभी तक एसेस नहीं कर पा रहा है कि कितना हो पाएगा। बिकॉज अभी हमने देखा है कि ग्लोबल GDP जो ग्रोथ है उसके जो एस्टिमेट्स है ये साल के लिए, वो पहले थे अराउंड 4% GDP ग्रोथ, उसको अभी घटा के 3% के नीचे हुआ है। बट अभी भी कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, राइट, कॉर्पोरेट अर्निंग, इवन यूएस में भी S&P की जो अर्निंग्स ग्रोथ है ये साल में, वहां पे इतनी ज्यादा गिरावट नहीं अभी तक आई है। इंडिया में भी देखा हमने कि हालांकि GDP ग्रोथ में कटावट आई है अराउंड 2 percentage points की और 150 basis points की, बट निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है FY23 में, वहां पे ज्यादा कुछ गिरावट अभी तक नहीं हुआ एस्टिमेट्स में। तो वहां पे थोड़ी रिस्क हो सकती है, वो एक फियर है मार्केट में कि कहां तक एक ग्रोथ होगी, कहां तक ग्लोबल यूएस स्पेसिफिकली रिसेशन में जाएगा, तो कितनी लंबे टाइम तक रिसेशन में रहेगा। तो ये सब सवाल है जहां पे अभी तक कुछ उसके जो उत्तर है अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसके कारण मार्केट यहां से भी जो फैक्टरिंग कर रहा है टू सम एक्सटेंट, आई थिंक वो अभी यहां से अगर नीचे डाउन होता है तो वो ग्रोथ कंसर्न के कारण होगा या अर्निंग डाउनग्रेड जो होगी कंपनीज की, उसको चलते हुए यहां से और नीचे जा सकते हैं। अदरवाइज काफी जो नेगेटिव्स है वो काफी हद तक प्राइसिंग हो गई है मार्केट में। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कमोडिटी प्राइसेस के फॉल की, क्योंकि वो भी एक बड़ी चिंता है और उसी ने अर्निंग्स में भी इम्पैक्ट किया कॉर्पोरेट इंडिया की। अभी अभी टाटा स्टील की हम बात कर रहे थे हेडलाइन में और मालूम चल रहा है कि ब्रोकरेजेस कह रहे हैं 20% स्टील का दाम नीचे आया है। उधर नेचुरल गैस का दाम भी ओवरसीज गिरना शुरू हो गया और भी अदर कमोडिटीज के भाव नीचे आ रहे हैं, क्रूड छोड़ के बाकी सब नीचे आ रहा है। आपको लगता है कि ये जो मार्जिन इश्यूज कॉर्पोरेट इंडिया ने देखे वो अब सुधरना शुरू हो जाएंगे या एक दो क्वार्टर और दिक्कतें रहेंगी? अच्छी बात है कि कमोडिटी प्राइसेस जो स्पेशली मेटल प्राइसेस है वो नीचे आ रहे हैं, तो जिसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट इंडिया को स्पेशली ऑटोमोबाइल कंपनीज या कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज जो है वहां पे जो हुआ था, बिकॉज इन अ राइजिंग इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट पर सब तरह से प्राइसेस बढ़ रही थी, राइट, तो वो पास ऑन करना काफी मुश्किल हो रहा था कंपनीज को। और अभी जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स लगाया है उसके कारण और ग्लोबली भी देखा है कि मेटल प्राइसेस बिकॉज ऑफ, जैसे आपने पहले बात की, ग्रोथ कंसर्न्स, ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन की वजह से डिमांड साइड इश्यू के कारण अभी प्राइसेस नीचे आ रही है। तो उसका बेनिफिट आई थिंक कंपनीज को मिलना चाहिए, ये सब ऑटो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को। आई थिंक एक क्वार्टर के बाद उसको इम्पैक्ट दिखेगा, बिकॉज कंपनीज के साथ पास में इन्वेंट्री रहती है और जो नई बाइंग होगी वो काफी नीचे के प्राइस पे हो सकती है। तो मार्जिन प्रेशर जो था लास्ट क्वार्टर में और ये क्वार्टर में भी जो देखा था, उसमें एक थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। सो आई थिंक दैट शुड क्लियरली हेल्प। हालांकि एनर्जी प्राइसेस ने बात की कि वो अभी भी हाई है। सो एनर्जी मार्केट में रशिया का जो सप्लाई है, राइट, एनर्जी मार्केट में जो वो काफी मात्रा में कम हुआ, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज ने उसके ऊपर रोक लगा दी है, तो वहां पे नीचे आने की अभी गुंजाइश थोड़ी कम है। एनर्जी ऑयल प्राइसेस कुछ महीनों के लिए शायद ऊपर ही रहेंगे। तो जो कंपनीज ऑयल जो रॉ मटेरियल्स ऑयल के साथ लिंक्ड है वहां पे इतनी
प्राइसेस नीचे आने की गुंजाइश नहीं दिख रही अभी यहाँ तक। तो जो एफएमसीजी कंपनीज है जो जहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो वहां पे अभी भी प्राइसेस नीचे आने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। तो इसकी सीमेंट कंपनीज हो गई, वहां पे काफी मात्रा में कोल, ऑयल और फ्रेट कॉस्ट का एलिमेंट ज्यादा रहता है, तो वहां पे भी थोड़ा टाइम लगेगा उसका जो एनर्जी प्राइसेस का और कोल प्राइसेस का नीचे आने की जो बात हो रही है उसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। मॉर्निंग महेश, प्रियंका यार, तो ये जो जिन सेक्टर्स की आप बात करें, इनफैक्ट एक पीछे एक रिपोर्ट भी थी और हमने एक्सटेंसिवली अपने चैनल पे कवर भी की थी, जिसमें बात कही गई थी कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में मेजरली जो लास्ट क्वार्टर में जो कंट्रीब्यूशन आया, जो अच्छा कंट्रीब्यूशन आया, वो कोर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स और कैपेक्स थीम तो एक बहुत बड़ी थीम है। इस पर हम एक खास चर्चा भी करने वाले हैं आपसे कुछ देर में कि क्यों कैपेक्स साइकिल एक बड़ा रीजन है कैपिटल गुड स्पेस में बाइंग करने का। तो ऐसे जो कोर सेक्टर्स हैं, आपको ऐसे कौन से कोर सेक्टर्स पसंद आते हैं जहां पर अब छोटी अवधि में ठीक ठाक रिटर्न की उम्मीद मिले? अभी सही बात की। सो अभी जो प्रॉब्लम्स जो चल रही है वो ज्यादातर ग्लोबली लिंक्ड है। सो जो स्लोडाउन और रेट इंक्रीज हुए हैं ज्यादातर से वो शार्प इंक्रीज ग्लोबल में है। सो ग्लोबल ग्रोथ में हमें ज्यादा तकलीफ दिख रही है। सो जो सेक्टर्स ग्लोबल लिंक्ड है, ग्लोबल ग्रोथ के साथ जो लिंक्ड है, वहां पे थोड़ी रिस्क दिख रही है अर्निंग्स में। बट इंडिया सेंट्रिक जो सेक्टर्स है, इंडिया के ग्रोथ के, इंडिया में भी ग्रोथ पे थोड़ा इम्पैक्ट होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा। तो सेक्टर जैसे हमने देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर है, वहां पे हमें ज्यादा कुछ अर्निंग्स की कटौती नहीं दिख रही है ये साल में। क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे से पिकअप हो रहा है और अभी जो रिपो रेट इंक्रीज हुआ है आरबीआई ने जो किया है उसमें भी बैंक्स के भी जो लोन्स है ज्यादातर लोन डायरेक्टली लिंक है, तो उनके लोन्स के जो रेट्स है वो भी बढ़ गए हैं और डिपॉजिट रेट इतने जल्दी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो बैंक्स की जो मार्जिन है, इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बात करते हैं, उसमें शायद बढ़ने की उम्मीद है और थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने के वजह से थोड़ा मार्क टू मार्केट जो लॉसेस रहते हैं इन्वेस्टमेंट बुक में उसका इम्पैक्ट होगा। बट नेट रेट आई थिंक बैंक्स में ज्यादा हमें कुछ दिक्कत नहीं दिख रही अर्निंग्स में, तो बैंकिंग सेक्टर ठीक लग रहा है। डोमेस्टिक जैसे आपने बात की, कुछ सेक्टर जैसे इंडस्ट्रियल्स जो हुए वहां पे भी कंपनीज की जो ऑर्डर बुक है ये लास्ट क्वार्टर में जो देखी है वहां पे ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है। कुछ कुछ सेक्टर्स है स्मॉल इंडस्ट्रीज यहाँ पे अभी भी कैपेक्स साइकिल इंडिया में शुरू होने की कुछ उम्मीद दिख रही है हमें, और एक्सपोर्ट्स में भी काफी मात्रा में जो इंडियन कंपनी इंजीनियरिंग जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वहां पे भी अच्छी डिमांड है। बिकॉज जो डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं ग्लोबली और स्पेशली यूरोप में उसके कारण इंडियन एक्सपोर्टर्स स्पेशली इंजीनियरिंग साइड उनको वो मार्केट कैप्चर करने में आसानी हो रही है। सो और डोमेस्टिक में भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो इन्वेस्टमेंट साइकिल कैपेक्स स्पेशली जो नए प्रोडक्शन में इंसेंटिव स्कीम जो प्लान गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी एक साल पहले उसको मद्देनजर रखते हुए काफी कंपनीज ने प्लान अनाउंस किए हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स इंप्रूव होने की नेक्स्ट एक दो तीन साल में अपेक्षा है। तो इंडस्ट्रियल्स कैपिटल गुड सेक्टर्स भी हमें ठीक लग रही है। इसके अलावा आई थिंक जो डोमेस्टिकली रूरल सेगमेंट जो है, रूरल सेगमेंट में लास्ट ईयर FY22 में काफी इम्पैक्ट हुआ था, काफी स्लो डाउन हुआ था बिकॉज कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसका काफी इम्पैक्ट था। अभी जिस तरह से फूड ग्रेन प्राइसेस है, वीट प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस, इवन कॉटन प्राइसेस काफी मात्रा में ऊपर है, तो उसका बेनिफिट फार्मर्स को मिलना चाहिए ये खरीफ सीजन में। अगर मॉनसून ठीक रहा और प्रोडक्शन ठीक है तो बेटर फार्म प्राइसेस से फार्म इनकम अच्छी होंगी, तो सेक्टर्स लिंक टू द रूरल इकोनॉमी वो भी अच्छी करनी चाहिए, जैसे ट्रैक्टर सेक्टर में, जैसे ट्रैक्टर सेक्टर में हुआ और इवन कंज्यूमर स्टेपल्स ऐसी कंपनीज है वहां पे सेकेंड हाफ में वन शुड सी इम्प्रूवमेंट ओवर देयर। तो ये सेक्टर्स में हमें ठीक लग रही है अर्निंग्स ग्रोथ, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश काफी कम है। महेश, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा उसी सर्वे को वापस रेफर करते हुए। हमने देखा कि जो इस समय चिंताएं ग्लोबली एसेट एलोकेटर्स के दिमाग में हैं, उनमें जो स्लोडाउन की जो चिंता है वो काफी बड़ी हो गई है, कहीं रिसेशन ना आ जाए, ग्लोबल स्लोडाउन कहीं बड़ा ना हो जाए, एक तरफ तो ये बात आ रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, ये देखिए सेंट्रल बैंक इतना हॉकिश ना रहे कि मंदी आ जाए, ये सबसे टॉप टू बातें हैं एक तरफ। ये दूसरी तरफ साइंस, अर्ली साइंस ये आ रहे हैं कि कैपिटल गुड्स
सेक्टर इंडिया में कैपेक्स टेक ऑफ कर रहा है और आए दिन यहाँ पे हमारे यहाँ एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट और इवन कंपनीज ये बता रही हैं कि कैपिटल गुड्स में ऑर्डर बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट कैपिटल गुड इंडेक्स भी 14 साल के हाईएस्ट लेवल पे लगभग आ गई है। तो क्या ये तरीका सही है कैपिटल कैपेक्स साइकिल को इंडिया में ठीक होने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी और हमें ये सेक्टर प्ले करना चाहिए? इनफैक्ट रेनु बैद IIFL से तैयार भी हो गई है, हम कैपिटल गुड्स को डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन इस स्पेस के बारे में आपकी क्या राय, आप खरीदारी कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स में देर आर ग्रीन शूट जैसे बात करते हैं कुछ कुछ सेक्टर, बट इतनी भारी मात्रा में हमें दिख नहीं रही ग्रोथ, क्योंकि जो बड़ा कैपेक्स होना चाहिए, जो बड़े इंडस्ट्रीज है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स करने कर सकते हैं, जैसे कि पावर सेक्टर हुआ या वहां पे मेटल सेक्टर्स में हमें दिख रहा है कि कंपनीज ने कैपेक्स अनाउंस किए, बट अभी जो एक्सपोर्ट टैक्स लगाया उसके कारण देखना पड़ेगा कितनी रफ्तार से वो कैपेक्स करते हैं। सो एक उम्मीद की किरण है कैपिटल गुड सेक्टर में। मैं नहीं बोलूंगा कि एक जोरदार कैपेक्स साइकिल रिकवरी दिख रही है, उसके लिए और थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज डिमांड एनवायरमेंट अभी भी वीक है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल देखोगे ओवरऑल इंडस्ट्री का वो अभी भी लगभग 70% के आसपास है। तो जब तक वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल 75-79 के ऊपर नहीं जाता है तब तक जोरदार कैपेक्स साइकिल नहीं देखने को मिलेगा। और ग्लोबली रिवाइवल कैपिटल गुड सेक्टर जहाँ पे US वगैरह में काफी फिस्कल स्टिमुलस के कारण कैपेक्स होने की उम्मीद थी, बट अगर डिमांड स्लो डाउन है तो थोड़ा कैपेक्स डेफरल हो सकता है। सो आई वुड से दैट उम्मीद है यहाँ पे सेक्टर में ऊपर आने की, जैसे गवर्नमेंट में जो फोकस मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के कारण एट द मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रही है। और हमें सोचना भी चाहिए कि कैपेक्स में लास्ट 4-5 साल में काफी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट टू GDP जो रेशियो है वो काफी मात्रा में नीचे आया था, तो वहां पे इतना अभी नीचे आया तो यहाँ से थोड़ा इट कैन मूव अप। सो कॉशियसली हम लोग ऑप्टिमिस्टिक है ये सेक्टर में, हालांकि वैल्यूएशंस ये कंपनीज की जो सेक्टर में है काफी ऊपर है, तो हमें ज्यादा वैल्यू है सेक्टर में नहीं दिख रही, बट आउटलुक इंप्रूव होते हुए धीरे धीरे दिख रहा है। ऑल राइट महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये थे महेश पाटिल बिरला AMC के CIO। इनफैक्ट यही